वेलकम बैक टू आवर चैनल डेंटल फैक्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन। टॉपिक जो है सुनने में बहुत अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए, एज वेल हमारी नॉर्मल जो भी हमारी पूरी ऑडियंस है उसके लिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बट कुछ चीजें हमें पता हो तो उससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेसिकली एवल्जन क्या होता है? एवल्जन होता है, इट इज अ कंप्लीट रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ फ्रॉम द टूथ सॉकेट। तो जनरली क्या होता है, कभी भी हमारा ट्रॉमा हो जाता है, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर हम कहीं से गिर पड़ते हैं, कुछ भी हमें ट्रॉमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा टूथ निकल गया और सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है। तो वहां पर जो भी लोग हैं उनके लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस कंडीशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें हर चीजों के बारे में पहले से ही पढ़ के रखना है ताकि हमारे बाद में फ्यूचर में काम आए। एज वेल इस पे जो शॉर्ट नोट है और लॉन्ग नोट बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट आता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लिनिशियंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंडम कोई भी केस आता है आपको ट्रॉमा का, तो एवल्जन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में आपको मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो पैनिक नहीं होना है, हमें सिचुएशन को समझना है, हैंडल करना है। तो एवल्जन को समझने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, एवल्जन का मैनेजमेंट कैसे होगा। यदि आपने देखा कि कोई भी रोड साइड इंजरी हुई है या फिर कोई भी पेशेंट देखा, आपने देखा कि उसका टूथ पड़ा हुआ है, तो हमें उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। हमें क्या करना है, उस टूथ को आराम से उठा लो उसको और ट्राई करो कि उसको वापस प्लेस कर दो। लेकिन इन केस फिर भी प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है तो उसे हम किसी भी अच्छे मीडियम में ट्रांसपोर्ट करके ला सकते हैं डेंटल क्लिनिक पर। तो वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, एक सबसे पहले आता है हमारा HBSS सॉल्यूशन, हैंग्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसके मैं फायदे भी बाद में बताऊंगी। यदि मिल्क अवेलेबल है तो मिल्क में भी कर सकते हैं, सलाइवा अवेलेबल है तो सलाइवा में भी कर सकते हैं, या फिर हमें सलाइन वाटर अवेलेबल है तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन यदि फिर भी इन सब में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है कि हमें उसमें डालकर टूथ को ले जाना है क्लिनिक तक, तो हम नॉर्मल टैप वाटर में भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इन चीज़ों के क्या क्या फायदे। तो जो मिल्क है वो पेरिडोंटल फाइबर्स की वाइटलिटी को प्रिजर्व करके रखता है, और सलाइवा में हम इसको 2 आवर्स तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो रही बात कि हमें साइट पर क्या क्या करना है। अब हम पेशेंट को लिया है डेंटल क्लिनिक पे, तो अब डेंटल क्लिनिक पे डेंटिस्ट का काम स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे टूथ की हालत कैसी है। यदि हमें लग रहा है बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे तरीके से आ गया है, तो उस टूथ को हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे, मतलब वापस प्लेसमेंट कर देंगे। हमने देखा कि यदि उस टूथ पर बहुत सारी मिट्टी लग गई है या फिर धूल लग गई है, फिर कंटामिनेट हो गए कैसे भी, तो हम क्या करेंगे, उसको HBSS सॉल्यूशन, सलाइवा और सलाइन किसी से भी अच्छे से उसको वॉश करके प्रॉपरली, उसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ रिंस करना है, और फिर उसके बाद वेट कॉटन से उसको पोंछ कर वापस रीइम्प्लांट कर देंगे। अब ये तो बात रही कि हम यदि टूथ बहुत ही अच्छी कंडीशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत ही ध्यान रखने की बात यह है, हम ये चीज पूछेंगे पेशेंट को लाने वाले से कि ट्रॉमा हुए कितना टाइम हो गया, मतलब टूथ कितनी देर पहले निकला है। यदि उसको एक्स्ट्रा ओरल टाइम 15 मिनट से कम है और उसका एपेक्स क्लोज्ड है, तो हम क्या करेंगे, टूथ को इम्प्लांट करेंगे और उसकी RCT कर देंगे और फिर फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। और यदि आपने देखा कि एक्स्ट्रा ओरल टाइम जो है वो 15 मिनट से कम ही है पर उसका जो एपेक्स है वो ओपन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम उसको इम्प्लांट कर देंगे लेकिन हम RCT नहीं कर। फिर हम फर्दर फॉलोअप के लिए बुलाएंगे पेशेंट को ये चेक करने के लिए कोई वहां पे पैथोसिस तो नहीं हो गई है, वहां पर कोई पल्पल पैथोसिस। तो ये हमारा रहा कि एक्स्ट्रा ओरल टाइम जो है यदि वो 15 मिनट से कम है। तो अब बात आती है यदि 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं उस कंडीशन में क्या करेंगे। यदि 15 मिनट से ज्यादा हो गए तो यदि टूथ का जो एपेक्स है वो क्लोज्ड है, तो उस कंडीशन में हम इम्प्लांट करेंगे वापस और उसके बाद उसकी RCT कर देंगे। और यदि हमने देखा कि उसका एपेक्स ओपन है, उस कंडीशन में हम प्लेसमेंट तो कर देंगे लेकिन हम इस बात के लिए पेशेंट को अवेयर कर देंगे कि यहाँ पर एंकाइलोसिस होने के पूरे चांसेस। अब बात आती है कि हमने मैनेजमेंट के टाइम पर रूट सर्फेसिस को और या फिर सॉफ्ट टिश्यूज है या फिर एल्वियोलर प्रोसेस जो है उसको हमने कैसे डील किया।
तो रूट सरफेस को हम सबसे पहले ये बात तो टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें लग रहा है कि थोड़ा गंदा है ये, तो उसको मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि HBSS सॉल्यूशन या फिर सलाइन से उसको जेंटली वॉश करेंगे और वेट कॉटन से इसको वाइप कर देंगे, तो उसके बाद ही हम ये डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और सॉफ्ट टिश्यू के साथ क्या करेंगे हम, वहां पर जब हमने वापस प्लेसमेंट किया टूथ को, उसके बाद बाकी जहां पे भी हमें लेसरेशन दिख रहे हैं या कहीं पे बहुत ब्लंट कट्स दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सूचर कर देंगे। तो बात आती है कि सॉकेट का क्या करेंगे, वहां देखेंगे कि यदि वहाँ क्लॉट बन चुका है तो हम कोई क्यूरेट नहीं करेंगे, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और वहां देखा कि यदि जो सॉकेट है वो कोलैप्स हो चुका है, तो कोई भी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से उसको रिपोजिशन कर देंगे, टूथ को प्लेस कर देंगे और बक्कल और पैलेटल, सपोज करिए मैक्सिलरी में है तो बक्कल और पैलेटल वॉल को अच्छे से प्रेस कर देंगे, और यदि मैंडिबुलर का है तो बक्कल एंड लिंगुअल वॉल को अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा रहा सॉकेट मैनेजमेंट, सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट बताया कि उसमें हम सूचर कर। तो आपको क्या लगता है कि वो टूथ ऐसे ही हमने रीइम्प्लांट किया वो ऐसे ही रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए हमें क्या स्प्लिंटिंग भी करनी होगी। तो टूथ की स्प्लिंटिंग है वो 7 to 10 days के लिए हम छोड़कर रखेंगे, उसके बाद जब 10 days बाद पेशेंट दोबारा आएगा फॉलोअप के लिए तो चेक करेंगे कि उसकी मोबिलिटी कैसी है। हमारी चेक करने में हमें पता चलता है कि अभी मोबिलिटी है उसमें, तो हम उसको फर्दर 2 to 8 weeks के लिए एक्सटेंड कर देंगे कि हाँ इसको अभी ऐसे ही रखना है। तो ये बात रही हमारी स्प्लिंट। मेडिकेशन पार्ट में हम क्या देंगे उसको, एक एंटीबायोटिक देंगे, एक एनाल्जेसिक देंगे, माउथ वॉश बोलेंगे ताकि वो अच्छे से क्लीनलीनेस रहे वहाँ पर, और साथ में उसको बोलेंगे कि एक जो है टेटनस का इंजेक्शन लगवा ले 48 hours के अंदर अंदर। अब आती है बात की होम केयर, पेशेंट को हम क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, पेशेंट के गार्जियंस को या पेशेंट के पेरेंट्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। तो उन इंस्ट्रक्शंस में आता है कि सबसे पहली बात कि वो सॉफ्ट बाइट लेगा, कोई भी सपोज करिए कि एंटीरियर टीथ का एवल्जन हुआ है, मोस्ट कॉमन हमारा एंटीरियर टीथ ही एवल्ज होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम पेशेंट को बोलेंगे कि डायरेक्ट आगे से बाइट नहीं करना है जिस भी टूथ को हमने स्प्लिंट किया हुआ है, प्रॉपर वहाँ पर ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है और सॉफ्ट डाइट पूरी तरह से रिकमेंड है। और उस दिन तो आपको कुछ भी बिल्कुल गर्म चीज़ नहीं लेनी है, सॉफ्ट डाइट लेनी है और बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, प्रॉपर में ट्रीटमेंट दे दिया फिर भी कुछ परेशानियां तो रह ही जाती हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, जो टूथ है वो एंकाइलोसिस हो सकता है, या फिर वहाँ टूथ जो है वो सबमर्ज भी रह सकता है, या फिर रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन भी हो सकता है, या फिर वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमें रेडी रहना है और प्रॉपर पेशेंट को बोलना है कि फॉलोअप में रहे ताकि हम उसको अच्छे से जज कर पाए और टाइम टू टाइम उसको अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए कि कहाँ पर क्या जरूरत है और क्या नहीं। आई जस्ट होप कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने बहुत कोशिश करी है कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको चीज़ें समझाऊँ। हम क्या होते हैं कि अपने कॉलेज टाइम में इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार चीज़ें हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है, फिर भी कोई आपको क्वेरी रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, तो मैं आपकी क्वेरी पूरी कोशिश करूंगी कि कंप्लीट कर दूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आगे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपको डिस्कस करूँ या फिर कोई अच्छी बातें बताऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।